ओम साई राम। मेरा नाम विपिन कुमार, साइमन द्वारका फाउंडेशन का को फाउंडर और अप्लाइड साइकोलॉजिस्ट। आज आपके सामने लीला लेकर आए हैं बिमला जी की, जिनके बारे में हमने एपिसोड नंबर 7 पे भी बात की थी। ये लीला इनके साथ हुई थी जब ये समाधि टेंपल में थे और दत्तात्रेय जी के मंदिर के पास जब ये थे, इनको तब बाबा का एक बहुत प्यारी लीला का अनुभव हुआ था। लीला सुनाने से पहले हम आपके साथ दत्तात्रेय जी के बारे में थोड़ी जानकारी साझा करना चाहेंगे। दत्तात्रेय जी, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी का अंश अवतार भी माना जाता है, इनके पिता का नाम श्री अत्रि था, जिन्होंने ऋग्वेद लिखने में बहुत योगदान दिया है, और इनकी माता का नाम अनुसूया था। ऐसा माना जाता है कि इनका महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक माहुर गांव में इनका जन्म हुआ था, या वहां पे ये अवतरित हुए थे। कब हुए थे, डेट क्या है, वो नहीं जानते हम भी। इनका जो साक्षात्कार हुआ था, जब इनको रियलाइजेशन हुआ था, जब इनको बौद्ध की प्राप्ति, इस तरीके से अगर आप इसको कहना चाहें, जो इनको बौद्ध की प्राप्ति हुई थी, वो गानकापुर जो कि कर्नाटका में पड़ता है, वहाँ पे हुई थी। इसलिए वहाँ पे इनका बहुत बड़ा मंदिर भी है और इनकी परिक्रमा के लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मठ माना गया है। दत्तात्रेय जी के 5 अवतार अभी तक रहे हैं, जिसमें से सबसे पहला अवतार उनका रहा है श्रीपाद श्रीवल्लभा, जो कि 13वीं सदी की शुरुआत में हुए थे पीठापुर आंध्र प्रदेश में। इनका दूसरा अवतार था श्री नरसिम्हा सरस्वती जी, जो कि 13वीं सदी के आखिर में अवतरित हुए थे करांजापुर महाराष्ट्र में। इनके तीसरे अवतार का नाम था श्री मानिक प्रभु, जिनका अवतरण हुआ था 1817 में कल्याण महाराष्ट्र में। इनके चौथे अवतार थे श्री अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज, जिनका जन्म 1855 में हुआ था। और इनके 5वें अवतार हम सबके परम पूज्य श्री सच्चिदानंद साईं महाराज, जो शिरडी में अवतरित हुए। ये इनके 5 अवतार हैं। और ऐसा माना जाता है कि दत्तात्रेय जी जो है वो औदुम्बर पेड़ के जड़ों में, रूट्स में बसते हैं। तो कभी भी आपको कहीं पे भी औदुम्बर का पेड़ दिखे, तो वहाँ पे दत्तात्रेय जी को ज़रूर याद करें, उनको नमन करें, क्योंकि दत्तात्रेय जी औदुम्बर पेड़ के जड़ों में निवास करते हैं। आइए अब इस एपिसोड की मुख्य लीला पे आते हैं, बिमला जी की ये स्टोरी। बिमला जी पहले जाते रहते थे शिरडी, और इस बार जब वो शिरडी, और जब भी वो शिरडी जाते हैं तो वो यहाँ से ही अपना सारा जो कि पूजा पाठ की सामग्री होती है, अगरबत्ती, तेल, दिया, वो सब यहीं से लेके जाते हैं। और समाधि टेंपल में एंटर करने के बाद वो जितने भी टेंपल समाधि टेंपल के प्रमाइसेस में आते हैं, चाहे वो गणपति जी का हो, चाहे वो शनि देव जी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो हर जगह पुष्प अर्पण करते हैं, अगरबत्ती करते हैं और पूजा करते हैं। इस बार जब वो समाधि टेंपल में गए, वो हर जगह पूजा करके, जब वो दत्तात्रेय का जो मंदिर है, जो आप सब जानते होंगे, जो जहाँ पे समाधि टेंपल में जब हम बाहर निकलते हैं, वहाँ पे जहाँ पे सच्चरित्र मिलती हैं, सच्चरित्र की किताबें मिलती हैं, उसके सामने ही एक टेंपल है दत्तात्रेय जी का। सो जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इनकी जो सामग्री थी पूजा की, वो ख़त्म हो चुकी थी। क्योंकि वो समय था, वो पुराना समय था, जब हर गेट से एंट्री अलाउड थी और हर गेट से एग्जिट भी अलाउड थी। तो ये इन्होंने देखा कि इनके पास सामान सारा ख़त्म हो गया है, तो ये बाहर गए और इन्होंने एक लेडी से सारा सामान खरीदा, वापस से अगरबत्ती, फूल, पत्र सब कुछ खरीदे और वापस आए ये। और दत्तात्रेय जी के यहाँ पे इन्होंने बाबा को पुष्प अर्पण करे और पूजा करी, अगरबत्ती करा। जब वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद वो वापस पीछे जो नंदा दीप है वहाँ पर गए, वहाँ पे भी इन्होंने पुष्प अर्पण करे और इन्होंने अगरबत्ती दिखाई। और जब वो वहाँ से मुड़े, जो उसकी सीढ़ियाँ हैं 2-3, जब वो वहाँ से उतरने लगे तो उन्होंने देखा इनकी तरफ 3 आदमी आए हैं, जिनकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, दिखने में भी लगभग एक जैसे, और उन तीनों ने एक ही तरीके की शर्ट, चेक की शर्ट पहनी हुई है। पहले तो ये कुछ समझ नहीं सके, पर जब वो तीनों इनके और करीब आए तो इन तीनों में से एक ने माता जी की तरफ एक बैग बढ़ाया,
जब माता जी ने वो बैग देखा तो उन्होंने देखा कि ये बैग तो उन्हीं का है, और वो तीनों वो बैग लौटाने आए थे। वो माता जी के पास आए और बोले कि माता जी आप यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, शायद से आपने अभी दत्तात्रेय जी के मंदिर में पूजा करी है और वहाँ पे हमें ये बैग मिला है, तो हो सकता है ये आप ही का हो, इसलिए हम आपसे पूछना है। कहती हाँ ये मेरा ही है। उन्होंने बैग लिया और तब उन तीनों ने बोला कि आप एक बार चेक कर लीजिए इसके अंदर सब कुछ है कि नहीं। तो माता जी उस टाइम पे थोड़ा सा घबराई हुई थी, घबराई नहीं हुई थी बट थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आ रहा था, कि उनको पता ही नहीं चला कि उनका बैग वहाँ पे छूट गया और ये कैसे तीन लोग मुझे देने आ गए हैं। उस वक्त खैर माता जी के मन में कुछ नहीं, उन्होंने बैग देखा, उनका सारा सामान उसी में था, इंटैक्ट था, और उन्होंने उनको शुक्रिया बोला और वो तीनों आदमी वापस मुड़े और पीछे की तरफ चल पड़े, जहाँ पे वो मेडिटेशन हॉल है वहाँ पे वो कहीं पे चले गए। उस टाइम पे माता जी ने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया, बट बाद में जब वो अपने होटल गए, उन्होंने इस लीला को वापस से सोचा, तब उनको रियलाइज़ हुआ वो तीनों और कोई नहीं, दत्तात्रेय जी का ही स्वरूप थे, दत्तात्रेय जी का, ब्रह्म विष्णु महेश का ही स्वरूप थे जो उनको आशीर्वाद देने आए थे। उनको उन्होंने आशीर्वाद के स्वरूप में उन्हीं का बैग लौटाया, और तब उनको ऐसा लगा कि शायद से अगर ये रियलाइजेशन उनको पहले हो जाता तो वो हो सकता उनसे कुछ और बात करते या किसी तरीके से वो कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ते। बट उन्होंने उस टाइम भी बाबा का शुक्रिया अदा किया कि बाबा थैंक यू, आपने वापस से मुझे एक लीला दी, एक अनुभव दिया, एक बहुत प्यारा अनुभव दिया। और यही बाबा की जो छोटी छोटी लीलाएं होती हैं या जैसी भी अनुभव होते हैं हमारे साथ, यही हमारा बाबा के प्रति जो है विश्वास और बढ़ा देते हैं, और इसी तरीके से बाबा हमारे जीवन में काम करते हैं। जब भी हम कभी डाउन हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, तो बाबा कहीं ना कहीं से अपने आप को हमारे सामने ले आते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो मूर्ति के रूप में, चाहे फोटो के रूप में, या किसी मैसेज के रूप में, सच्चरित्र के रूप में, किसी भी रूप में बाबा हमारे सामने आए थे। बस हमें वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। समाधि टेम्पल में दत्तात्रेय जी के मंदिर के पास ही इनको साक्षात्कार हुआ, और इस तरीके से बाबा ने इनका बाबा के प्रति फेथ और भी बढ़ गया। सो ये स्टोरी थी बिमला जी की, जहाँ इन्हें दत्तात्रेय जी का अनुभव हुआ और बाबा ने इनको आशीर्वाद दिया। ओम साई।